हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक फेयरनेस क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। ये फेयरनेस क्रीम बहुत ही असरदार है आपके चेहरे को गोरा और निखरा बनाने के लिए। इस फेयरनेस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट गुलाब यानी कि रोज है, और जैसे कि आप सब जानते हैं गुलाब के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके स्किन को फेयर, ग्लोइंग और रेडिएंट बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये क्रीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाने के लिए, और इसके सिर्फ एक ही इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और रेडिएंट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रीम को बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए इस क्रीम को बनाने के लिए वो है रोज की पत्तियां यानी फ्रेश रोज पेटल्स। उसके बाद हमें चाहिए गुलाब जल, फिर हमें चाहिए ग्लिसरिन, उसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई ऑयल, और लास्ट में हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो चलिए अब इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। और इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक ब्लेंडिंग या ग्राइंडिंग जार में सारी गुलाब की पत्तियां डाल लीजिए। उसके बाद हमें इसके अंदर 2 बड़े चम्मच गुलाब जल डालना है, और गुलाब जल डालने के बाद हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पीस लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो अच्छे से ग्राइंड या पीस लेने के बाद आपका गुलाब का पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। तो अब हमें इस पेस्ट को छानना है, और यहाँ पर मैं छन्नी की मदद से इस पेस्ट को छान रही हूँ। और अगर आप छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मसलिन या किसी कॉटन के कपड़े से इस पेस्ट को छान सकते हैं। तो इस पेस्ट को अच्छे से छानने के बाद आपका प्योर रोज वाटर रेडी है, और वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये गुलाब जल या गुलाब का रस बहुत ही असरदार होता है। आप इसको नॉर्मली भी टोनर की तरह अपने फेस पे इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बहुत ही प्योर फॉर्म है रोज वाटर की। तो चलिए अब इसकी मदद से हम अपनी फेयरनेस क्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो उस क्रीम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच ये प्योर रोज वाटर लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर 1 चम्मच ग्लिसरिन डालना है। ग्लिसरिन डालने के बाद हमें इसके अंदर 1/2 चम्मच विटामिन ई ऑयल डालना है। अब हमें इन चारों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिल जाएं। और इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब हमें इसमें लास्ट में 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे, और सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक बहुत ही स्मूथ और लम फ्री पेस्ट बने। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके और रोज वाटर डाल रही हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा स्मूथ बने और ये क्रीम फॉर्म में आने लगे। पर ध्यान रखिए कि आपको इसके अंदर ज़्यादा रोज़ वाटर नहीं डालना है, क्योंकि अगर इसके अंदर ज़्यादा रोज़ वाटर डाला तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी, जो कि एक क्रीम फॉर्म में नहीं होगी। और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका ये होममेड फेयरनेस क्रीम रेडी है, और वो कुछ इस तरह दिखेगी। और इस क्रीम की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा फ्लफी और क्रीमी भी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए ताकि आप इसको लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही ईजी है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज के अंदर 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल किया जाए बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। तो इस क्रीम को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। आपको ये क्रीम सिर्फ थोड़ी सी लेनी है, और अपने फेस और नेक पर इसको अच्छे से मसाज करना है। आप इस क्रीम को सर्कुलर मोशन में कम से कम 30-45 सेकंड्स के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए, और आप इस क्रीम को अपनी फुल बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए आप इस क्रीम को दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, 1 सुबह और 1 रात को सोने से पहले। ये स्किन वाइटनिंग रोज क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडिएंट बनाती है,
और अगर आप इस क्रीम को डेली कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर से कोई भी दाग धब्बे, पिंपल्स या पिंपल्स के निशान जो रह गए उनको ये जड़ से खत्म कर देती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।